very warm welcome all of you i hope you are doing well my name is Nadim. so today i will tell you what is sweat and what is duet and what is the major difference between sweat and duet the slavers for duet msw and slavers for sweat msw i will share previous question as well on my telegram channel my telegram channel name is social work with Nadim. so firstly i will tell you what is sweat the full form of sweat is Common university entrance test. It has two wings. First is for UG and second is for PG. UG for undergraduate students and PG for postgraduate students. Okay? But the thing is SWAT and duet There was the first and major difference is that the duet full form is Delhi University Entrance Test. स्पेसिफिकली इट इज़ बेस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड ऑन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइक जे एन यू बी एच यू या अदर जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आपको उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्वैट पी जी का एग्जामिनेशन देना होगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्वेट के साथ मर्ज नहीं किया था इस बार लेकिन शायद ऐसी न्यूज है कि शायद ये मर्ज हो जाए अब का जो एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने रिलीज़ किया है स्वेट पीजी ने उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि डोट पीजी भी स्वेट के साथ मर्ज हो जाए तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाता है ये जानना जरूरी ये हो जाता है कि स्वेट और डोट में क्या डिफरेंस है अगर आप एम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और सिलेबस क्या है और आप नेक्स्ट टाइम अपना एम डब्ल्यू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं तो पहला कि जो डोट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफ़िक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कहाँ से मेजर टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और मैंने साथ ही ये भी डिस्कस किया है किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एम के लिए और क्या क्या सिलेबस आप पढ़ सकते हैं आप कहाँ से करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं और, और जो भी कोई डाउट है आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं जैसे मैंने बताया मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सोशल वर्क विद नदीम के नाम से ओके मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं सोशल वर्क से रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट हैं वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या स्वैट का भी सिलेबस क्योंकि ड्ट का तो मैं बता चुका हूँ अगर ड्वेट की स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो वेबसाइट पर ऐसा कुछ मैंशन नहीं है लेकिन मैंने पिछले पाँच से आठ साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके कुछ कंटेंट मतलब कुछ ऐसे टॉपिक को कवर किया था ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया था जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अराउंडिंग सराउंडिंग्स में से ठीक है तो उसके बिहार पर मैंने बनाया जिससे कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया उस पर आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आया है फाइव के उस पर व्यूज भी हुए हैं और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी काफ़ी लोग जुड़े जहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शेयर किए हैं कट ऑफ भी शेयर किया है और साथ ही एम भी हमने करे हैं आपस में एक दूसरे ने एम भी मैंने उसमें कराए हैं और जिसके वजह से सब पूरी प्रिपरेशन की जर्नी रही इसमें हमारे ट्वेंटी प्लस स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन भी हुआ है इस चैनल सोशल वर्क अकेडमी के नाम से ठीक है और साथ ही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा क्या शेयर करूँगा कि स्वेट एम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है जिसमें अदर यूनिवर्सिटी हैं जैसे लाइक बी एच यू है या जामिया है अगर आप इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एम के लिए तो आप क्या क्या सिलेबस कवर कर सकते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं ठीक है स्पेसिफिकली अगर स्वैट की अगर मैं बात करूँ तो स्वैट का जो स्वेट पी का जो सिलेबस है वो ये है के सबसे पहले आपका यूनिट है इसमें कितने यूनिट है यूनिट इसमें नाइन यूनिट है जो पहली यूनिट है वो बात करती है सोशल कंसेप्ट की सोशल कंसेप्ट जानना जरूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू डू सोशल वर्क तो यू हैव मस्ट यू मस्ट नोन अबाउट सोशल कंसेप्ट एज फैमिली मैरिज नेबरहुड कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कास्ट क्लैन वैल्यूज कल्चर ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस नॉर्म्स लाइफ स्टाइल हेल्थ एंड सोशलाइजेशन एंड नीड्स these are the these are the syllabus which given by SWAT PG for MSW social un, unit first is social unit unit second is इकोनॉमिक कंसेप्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट लाइक इकोनॉमिक मार्केट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड एंड सप्लाई लेबर इनकम एक्सपेंडिचर ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जिसको एल बोलते हैं हम एंड इंडस्ट्राइजेशन इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए यूनिट टूस की बात करता है यूनिट थर्ड जो है पोलिटिकल कंसेप्ट की बात करता है जिसमें कि आपको पता होना चाहिए लाइक like, पॉलिटिक्स क्या है वट इज पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी क्या है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है पंचायती राज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं जिसको पी भी बोलते हैं हम जो सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लेजिस्लेचर के बाद लेजिस्लेचर हमारा जैसे एग्जीक्यूटिव uh, लेजिस्लेचर है हमारा लाइक uh, like पंचायत राज है या फिर उसके बाद एम स्टेट्स में है या फिर सेंटर में जैसे एमएलए या फिर एम ठीक है एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रीडम लिबर्टी फ्रीडम राइट्स फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हैं कॉन्सेप्ट किसके पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम एस डब्ल्यू नेक्स्ट यूनिट इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में मीन्स टू से इंडिविजुअल सेल्फ बिहेवियर मेंटल फंक्शंस एटीट्यूड इमोशंस बिलीव्स सेल्फ स्टीम एंड इंटेलिजेंस ये क्या है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए तो आ, आप क्या ताकि आप साइकोलॉजी का पोर्शन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको कवर कर सकें आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर सकें यूनिट फाइव टॉक्स अबाउट एनवायरमेंटल कंसेप्ट एनवायरमेंटल कंसेप्ट लाइक एनवायरमेंट एटमोसफेयर एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन साउंड नॉइज पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं इसे नेचुरल रिसोर्सिस क्या हैं एनर्जी फॉरेस्ट एयर वाटर सॉइल फॉरेस्ट एंड डिसास्टर ओके दीज आर द एन्मेंटल फैक्ट कंसेप्ट एंड द यूनिट सिक्स टॉक्स अबाउट लीगल कंसेप्ट लीगल कंसेप्टीस कॉन्स्टिट्यूशन लो कॉन्स्टिट्यूशन में डी पी एस पी एंड फंडामेंटल राइट्स मेजरली इससे क्वेश्चन पूछते हैं low लो बेस सच लो बेसिक लॉज लाइक फॉर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन रिलेटेड टू चिल्ड्रन रिलेटेड टू डिबिलिटी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इससे रिलेटेड कुछ लेजिसलेसन लॉज जो हैं आपको पता होने चाहिए एंड पिटिशंस जैसे कि पी uh, है पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफ आई आर एफ आई आर के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके से एफ आई आर के फुल फॉर्म क्या है कैसे कौन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज इन सब के बारे में और यूनिट सिक्स अबाउट सोशल रिफॉर्म सोशल मूवमेंट एंड सोशल वर्क है ना कंसेप्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म वट इज कंसेप्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड वट आर वट वर द मेजर सोशल रिफॉर्मर इन इन मॉडर्न इंडिया एंड एंशेंट इंडिया ओके द सोशल मूवमेंट्स रेवोल्यूशन सत्याग्रह नॉन वायलेंस ट्रूथ जस्टिस पीस सोशल वर्क सोशल डेवलपमेंट ये आपको यूनिट सेवन बात करती है तो वो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए भक्ति मोमेंट गुरु नानक कबीर एंड भसवेश्वर भसवेश्वर एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय सरस स्वामी विवेकानंदा एंड धोंदो सिंह करवे ये सब और लाइक विनोबा भावे And there are other major social forms as well. So you should answer. You should mention. You should learn about them as well. Next is Dalit and social movement. Ambedkar, Medha Patkar, Anna Hazare, and Anuroy. These are the latest names after the Ambedkar, Medha Patkar, Anna Hazare, and Anuroy. ये सभी अरुणा रॉय ये लेटेस्ट अभी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सोशल मूवमेंट को हर, ड्राइव करते हैं मेधा पाटकर के क्वेश्चन यू जी सी नेट तक में बनता है और ये एंट्रेंस एग्जाम में बनता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया तो वी कैन से मेधा पाटकर ओके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए नॉन गवर्नमेंट एनजी ओज एन पी ओज कितने टाइप के एनजी ओज होती हैं फुल फॉर्म क्या होती है कॉर्पोरेट्स के बारे में स्पेसिफिकली सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है क्या ऐसा कंसेप्ट है क्या इसकी फिलोसफी है और कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर तो ये सब भी आपको थोड़ा पता होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम फॉर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ओके लाइक नेक्स्ट इज सोशल चेंज एंड सोशल इन ट्रांसफॉर्मेशन द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज वट इज़ सोशल चेंज इसका कौन सोशल चेंज की थ्योरीज क्या हैं लाइक चेंज इज़ चेंज इज़ इन एविटेबल जैसे कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं चेंज इज़ इन एविटेबल चेंज को हम रोक नहीं सकते चेंज हम आकर रहेगा चेंज चाहे पॉजिटिव हो नगेटिव हो बट चेंज इज इनएविटेबल ओके तो चेंज की जो philosophy है चेंज का जो कंसेप्ट है जो थ्योरीज हैं वो हमें पता होना चाहिए And social ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से सोशल transform हुआ है फॉर example, अगर टॉक अब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्राइजेशन तो इंडस्ट्राइजेशन तो आने के बाद से क्या हुआ है कि काफ़ी माइग्रेशन हुआ है साथ ही जिससे कि हमारे सोशल डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज हुए हैं जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए हैं और हम कलेक्टिव से हम इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ बढ़े हैं तो ये सब जो हमारे सोसाइटी में चेंज आया है तो सब चीज़ें

कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया इसके मैं आप अगर आप चाहते हैं इसको पी फॉर्म में लेना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको यह शेयर कर दूंगा और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि स्वैट पी जी प्रीवियस ईयर का एम का अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मैं वहां पर शेयर कर दूंगा अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली उस पर वीडियो बनाई जाए क्वेश्चन पेपर को लेकर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाए लाइक जैसे मैंने ड्ट का किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का उसमें मैंने अपना रेस्पॉन्सट ही शेयर किया हुआ है आप इस चैनल को वीडियो

जामिया जो है स्वैट के साथ मर्ज कर लिया लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2022 में मर्ज नहीं किया है बट हो सकता है 2023 में मर्ज कर ले अगर वो मर्ज हो जाता है तो ड्वेट भी स्वेट की जगह पर ही आपको एग्ज़ाम देना होगा और पैटर्न यही रहेगा इसमें दो पैट इसमें पैटर्न पहला पेपर रहेगा जनरल पेपर जिसमें आपको मैरिक्स कॉम्प्रहेंशन लैंग्वेज जन मेंटल एबिलिटीज़ ये सब चेक की जाएंगी और जो सेकंड जो सेवेंटी फाइव क्वेश्चन का पोर्शन होगा जिसमें कि आप स्पेसिफिकली सोशल वर्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया है वही सबसे वहीं सबसे क्वेश्चन बनेगा और आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा अगर आप प्रीवेशर का क्वेश्चन पेपर देख लें प्रीवेशर के क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स करते कमेंट में कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो अगर आप कहो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो क्वेश्चन पेपर भी ठीक है और मेरा जो है अकेडमी अकेडमी सोशल वर्क इस यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उसके साथ जो भी एम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहा हो या फिर स्वैट पीज, स्वेट पी दे रहा हो ये दोनों के लिए और जो भी ये मैंने सिलेबस आपके साथ मैंशन किया लाइक सोशल कन्सेप्ट हुआ या फिर पोलिटिकल कंसेप्ट हुआ इकोनॉमिक कन्सेप्ट हुआ इन्वामेंटल कन्सेप्ट हुआ ये सभी कन्सेप्ट को लेकर इस चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी रेगुलरली ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे और अभी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर आप उनको भी देखकर अगर आप चाहते हैं कि सोशल वर्क की इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एंड सोशल वर्क का स्कोप क्या है सोशल वर्क के मेथड्स क्या है सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स क्या हैं अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और अपनी जो है कॉमेंट भी कर सकते हैं कि आपको उसमें कैसी लगी वो वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी या फिर और जो भी फैमिली मेम्बर हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन वीडियोज़ को भी शेयर कर सकते हैं जिससे मैंने वो कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट थे जैसे मैंने मैंने बताया था सोशोलॉजिकल कंसेप्ट हैं वो सोशल कंसेप्ट लाइक फैमिली क्लाइन ट्राइब ये सब वो सब भी मैं धीरे धीरे वन बाय वन कवर करूंगा साइकोलॉजिकल भी मैं आपके साथ कवर अब सभी कवर करूंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रिपरेशन में कोई भी परेशानी ना आए ठीक है तो ये रहा डोट अगर स्वेट के साथ मर्ज होता है तो मैं स्पेसिफिकली उसके लिए आपको बता दूंगा अभी तक कोई ऐसी सच ऐसा कोई क्लियर रिपोर्ट या न्यूज नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि डोट स्वेट के साथ मर्ज हो गया है ठीक है तो अभी तक कोई भी ऐसा क्लियर कट नहीं है आंसर कि जिसमें हम कह सकें कि डोट मर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है बट अकेडमी अगर स्वैट पीजी की बात करें स्वेट पीजी ने अपना अके अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर इशू कर दिया जिसमें कि वो जून जुलाई में स्वेट पीजी का एंट्रेंस ले रहा है नहीं एम के लिए एंट्रेंस ले रहा है और एम जो है सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं कराता है काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं लाइक वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी कराती है, है लाइक बीएचयू कराती है या फिर जामिया कराती है या अदर साउथ इंडियन में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है, सारी यूनिवर्सिटी जो है और भी अदर यूनिवर्सिटी भी कराती हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसके जो उसका एंट्रेंस जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्वैट के थ्रू उसमें होकर जाना पड़ता है और साथ ही अगर एम में एंट्रेंस लेने का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले दो तीन सालों से ये देखने को मिल रहा है कि आपको सिर्फ एंट्रेंस के बिहा पर ही एडमिशन मिल जाता है बट अभी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा हो कि आपको एंट्रेंस देना हो उसके बाद आपको जो है जी में बैठना हो फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में बैठना हो देन उसके बाद आपका सलेक्शन होगा ये पैटर्न हो सकता है अगर इसमें कोई चेंजेस आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपको इसके बारे में वीडियो से वीडियो बनाकर बता दूँ दूंगा जिसमें कि आपको कोई क्लियर कर, डाउट कर दूंगा मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा और इससे कि आपको प्रिपरेशन में बेहतरी होगी और आप जल्दी से इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे बिना किसी दिक्कत के अगर जो भी कोई परेशानी आती है प्रिपरेशन के दौरान मटेरियल से रिलेटेड बुक से रिलेटेड कोई भी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा जो है ई मेल भी है अकेडमी ऑफ स्वेट के नाम से अकेडमी रेट जी मेल डॉट कॉम और टेलीग्राम चैनल भी है और आप जो है आपके पास मेरा अकेडमी सोशल वर्क के नाम से यूट्यूब चैनल भी है तो आप यहाँ पर भी अपनी क्वेरी मेरे से शेयर कर सकते हैं तो आगे मैं उसका आंसर कर सकूँ तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू बाय बाय